सुन नेहा, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और उससे इंस्पायर होके मैंने वीडियो बनाना तो शुरू कर दिया, बट लेट मी टेल यू अ प्रॉब्लम, मेरे वीडियोस को कोई देख ही नहीं रहा, मेरी ऑडियंस को कंज्यूम ही नहीं कर रही। मैं दिन रात अपने ऑफिस और ये वर्क से थोड़ा सा टाइम निकाल के कर रही हूँ, फिर भी इतनी मेहनत मेरी वेस्ट जा रही है। प्लीज़ हेल्प मी आउट, हाउ शुड आई मेक द ऑडियंस वॉच माई वीडियो। वेल, अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, ये आपकी कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ, एंड दैट इज मार्केट रिसर्च। हाउ शुड यू रिसर्च द मार्केट एंड क्रिएट दोज वीडियो जो ऑडियंस खींची आएगी आपके वीडियो की तरफ और देखने की कोशिश करेगी। वेल, इफ यू रियली वॉन्ट टू नो, देन हॉप ऑन टू द वीडियो। सो हेलो, दिस इज नेहा, अ वीडियो मार्केटर। वेल, अगर शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले की जो रिसर्च होती है वो दो तरह की होती है, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च इज एक्चुअली द एक्चुअल सोर्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आप लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं और वहाँ से एक्चुअल यानी किसकी क्या प्रॉब्लम है और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको जेन्युइनली पता चलता है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक जन का इंटरव्यू करूँ, तो आप सेकेंडरी रिसर्च का यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज यूजिंग द पब्लिक डेटा, पब्लिक रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स और जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं या जो भी ये मास्टर्स कहते हैं उनकी सुनिए और उनकी बात पे रिलाई करके अपना रिसर्च कीजिए। चलते हैं अपने दूसरे तरीके रिसर्च पे, विच इज इवैल्यूएट मार्केट साइज। वेल, आपको बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करना होता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट इज देयर हैबिट ऑन यूटिलाइजिंग द डिजिटल वीडियोज, बिकॉज लेट मी टेल यू, नॉट एवरी वन वॉचेज वीडियोज, ये सबके लिए नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से रिसर्च करना होता है। अगर आप मेरे एग्जाम्पल पे आते हैं, मेरे बिजनेस पे आते हैं, तो मेरी जो ऑडियंस है वो 25 से 45 साल के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्पेसिफिकली अपना ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो जब भी वो मेरे वीडियोज और कॉन्टेंट को देखते हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो डू अ डीप रिसर्च। एंड द थर्ड इज फॉलो द ट्रेंड, मतलब अगर ट्रेंड के हिसाब से चल दिए ना आप, तो आपका बिजनेस ग्रो होना ही होना है। हमेशा अपडेटेड रहिए क्या नया हो रहा है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड की बात करूँ, तो मैं सौरव जैन को फॉलो करती हूँ, जहाँ वो इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते व्हाट्स हैपनिंग न्यू इन द डिजिटल स्पेस वो लाते हैं। और अगर ब्लॉगिंग की बात करूँ, तो मैं नील पटेल के ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, जो वो भी अपडेटेड वर्जन्स लाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या नया आ रहा है या क्या नया आ सकता है। तो आप भी अपनी इंडस्ट्री के वो मास्टर्स को ढूंढ डालिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन, जहाँ पे भी वो मिलते हैं, और उनको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सो गाइज, आप भी अगर राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वीडियोस के तहत, देन डेफिनेटली डू दीज काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च, नॉट जस्ट वन डे बट एवरी डे। जी हाँ, मार्केट हर दिन बदलता है, तो ज़रूर अपना मार्केट रिसर्च डेली करें। एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कौन है वो गुरु और कोच या जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो आपके बिजनेस में काफ़ी मदद करते हैं आपको ग्रो करने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हो सकता है हम उनके वीडियोज़ और कॉन्टेंट को कंज्यूम करते हो और अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आज उनको आप टैग कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, एंड लेट देम नो कि उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। टिल देन, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेव कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सारे लोगों से जिनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे या जो चाहते हैं कि वो राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए। टिल देन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।